सो वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बॉस OTT सीजन 2 पे जितने भी अपने सीनियर सिटीजन है उनके बारे में। सुनने में वर्ड थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन हार्श रियलिटी तो यही है क्योंकि इनकी हरकतें कुछ ऐसी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइरस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मतलब बचपन में मैं तो छोटा सा था और जब टीवी पे वो फिल्में आती थी वो गाने आता था मैं एकदम से फ्लैट हो गया था और मैंने बोला था यार ऐसी लड़की होनी चाहिए लाइफ में, मतलब जिस तरह की आवाज है जिस तरह का मतलब फेस है स्टाइल है। मेरे लिए भाई पूजा भट्ट बचपन में मेरी क्रश थी, आज समझ में आता है उनकी एज क्या है और मैं कब उस पे मतलब अपना समझ आ रहा है ना। आप लोगों में से भी कितने होंगे जिनके लिए पूजा जो है मतलब फर्स्ट क्रश हो सकती है पूजा भट्ट मैम। और ये जब आई एज अ पैनलिस्ट उसी वक्त थोड़ा लग रहा था क्योंकि वो एकदम फ्यूज उड़ा हुआ था और सलमान खान अपने स्क्रिप्ट को कंटिन्यू कर रहे थे और उसको बस देखे जा रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि एक सीजन में अमीषा पटेल को लाया गया था कि ये फीमेल बिग बॉस होगी, उस टाइम पे ऐसे ही लगा, फिर देखा नहीं पैनलिस्ट है। और उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं एक जाएगा तो शायद TRP के लिए MC स्टैन को डालेंगे या फिर सनी लियोन को डालेंगे, लेकिन नहीं अचानक से झटका लगा अपनी पूजा भट्ट मैम अंदर आई और उसके बाद से मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। फर्स्ट डे का वाइब अच्छा था, सेकेंड डे जैसे शुरू हुआ स्टार्टिंग लाइक कि मैं स्टार हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैंने पहला ये किया, मैंने दूसरा ये किया, आई वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी था बोलने लग गई। और मुझे शॉक लगा सुन के, जो मेरी एक फेवरेट फिल्म है उन्हीं की फिल्म थी भाई तमन्ना। रीजन ये है कि उसमें वो पूजा भट्ट खुद थी और पूजा भट्ट जिस फिल्म में होती थी बचपन में मैं देखने बैठ जाता था। तो जब मैं कॉलेज टाइम पे पहुंचा उस टाइम पे भाई एक फिल्म हाथ लगी जिसका नाम था तमन्ना और वो फिल्म भाई मेरे लिए फेवरेट थी क्योंकि उसके अंदर में एक गाना था, वो आईने जो तुम्हें कम पसंद करते वो जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं। भाई ऐसा लगा कि जिससे मेरा अभी रिसेंटली चल रहा है भाई एक अच्छा सा रिलेशन शायद उसी के लिए है ये गाना और एकदम सही टाइमिंग पे सही गाना आया। अब भाई मामला ये हुआ कि मैडम ने जिस तरह से अपनी सारी चीजें बतानी शुरू की जिससे चबाते चबाते बोल रही है, थोड़ा अंदर का जो कैरेक्टर है ना वो मुझे हिला हुआ लगा। देखो सब यहाँ पे आके ओरिजिनल हो जाते, उनका खुद का भी कहना है कितनी देर तक ये मुखौटा पहने रहोगे, तो ये उनका एक्सपीरियंस उनका एज बता रहा है, ऑटोमेटिकली आ जाता है यार लोगों को। अब उसके बाद से जिस तरह से वो ट्रीट कर रही थी लाइक फुकरा इंसान से लड़ गई, फुकरा इंसान बोल रहा है कि हम बॉयज लोग देख लेंगे, बोले नो इट इज अबाउट अ हाउस। यार क्या हो गया, एक टट्टी के लिए इतना कौन लड़ता है, लड़के लोग मैनेज कर रहे हैं ना, उनको उन्होंने कुछ तो बनाया है वो अपना मेक श्योर करेंगे, आप उसमें घुस रहे हो नहीं तो मतलब तुमको चलेगा हमें नहीं चलेगा भाई, ये हमारे घर की बात है। दैट्स गुड, घर की बात है, लेकिन एक छोटी सी चीज को इतना स्ट्रेच करना समझ में तो ऐसा आ रहा है कि शायद ये जो छटंकी फटंकी आगे पीछे घूम रहे हैं मतलब पूजा भट्ट मैम के लिए तो यही है ना कि तुम लोग हो कौन बे, तुम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं स्टार बन गई थी, ठीक है। There was one more revealing thing के उन्होंने कहा कि उनको आशिकी फिल्म ऑफर की गई थी और उन्होंने बस इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस वक्त में जो उनके बॉयफ्रेंड थे उन्होंने बोला कि ये प्रोफेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और तुम ये काम नहीं करोगी। Hats off man, hats off। लेकिन पूजा भट्ट मैम रहती तो शायद लंबी चलती, लेकिन जितनी भी चली अच्छी खासी चली। सॉरी मैं उस चीज को हटाता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। तो मैडम जिस तरह से कर रही है, पूजा भट्ट मैम जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जो डिग्निटी है उनका जो इज्जत है वो गायब हो जाएगा, बॉस सब कुछ गवा देगी, बेटर है उसको घर से बाहर निकाल लो। साइरस इन द एज ऑफ 51, वो बता रहे थे 51 एज है, ही इज डूइंग सो गुड मैन। मतलब कहां पे कब क्या कितना बोलना है, कैसे ह्यूमर डालना है, सामने वाले को कैसे एंटरटेन करना है, व्यूअर्स को कैसे एंटरटेन करना है। और जो पीछे ये वाला मेरे को अच्छा लगा, तू मादर तू भाई कड़क था भाई साहब, आज भी रिलेटेबल है, आज भी जो है ना वो चीज कर जाएंगे जो कि आज आप मजे लेना चाहो देखने लायक है। तो बीबी हाउस में जो अभी दो सीनियर सिटीजन है उनमें से एक साइरस इज फुल्ली एंटरटेनिंग, वो अपने लिमिट को जानते हैं, उनको पता है कि क्या कितना करना है। और वहीं पे पूजा भट्ट मैम प्लीज ओवर एक्टिंग बंद करो और इनको घर से बाहर निकालने का कुछ तो जुगाड़ लगाओ, मैम तो ओवर एक्टिंग करने से नहीं रुकेंगी, बिकॉज शी नोज दैट द सीनियर पर्सन ओवर है और मैं कहां से बिलोंग करती हूं, लोग मुझे जस्ट लाइक वो अपना क्या नाम है लास्ट सीजन में साजिद खान से भी बढ़ करके है, लेकिन साजिद खान ने दिखाया नहीं था बिकॉज कि उसको अपना इमेज बिल्ड करना था। यहां पे जो पूजा भट्ट मैम दिखा रही है मैंने ये बीट किया है, मैंने अल्कोहल छोड़ा है, दैट्स गुड एवरीथिंग इज फाइन मैन, लेकिन जो चीज आप कर रहे हो जिस वे में कर रहे हो बहुत बेकार लग रहा है। सो दैट वाज माय ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन, प्लीज डू कमेंट और बताओ आपका क्या कहना है इन दो लोगों के बारे में। एंड आई एम वेरी सॉरी अगेन अगर आपको सीनियर सिटीजन वाला वर्ड बहुत ज्यादा बुरा लगा, अपने फैन होने के नाते बुरा लगेगा, मुझे भी अगर कोई बोले साइरस के लिए तो लग ही जाएगा, मैम को सूट कर रहा है। प्लीज डू कमेंट आपका क्या कहना है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और भी डिस्कशन एंड गॉसिप्स के लिए और अपडेट्स के लिए, चैनल को
सब्सक्राइब करो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।